मैं देश के सभी लोगों को दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आदमी मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं।
योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए भारत में ऋषिकेश काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान एपरल्स इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। इट कनेक्ट्स अस विद आवर सेल्फ एंड अवर डीपेस्ट फीलिंग्स। इट ब्रिंग्स अबाउट वननेस ऑफ द माइंड बॉडी एंड सॉल। योगा हेल्प्स अस रियलाइज दैट अवर वेलफेयर इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी आर पीसफुल विद इन वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं
मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। હવે વાત ગુજરાતની। ગુજરાત સહિત દેશભરમાં 10મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે બનાસકાંઠાના નડાબેટ પર યોગ કર્યા। તસવીરો આવી રહી છે નડાબેટથી, જ્યાં રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીમાં શંકર ચૌધરીએ પણ સીએમ સાથે યોગ કર્યા હતા। સવારે 6 કલાકે આ યોગ કાર્યક્રમ નડાબેટ ખાતે યોજાયો। गच्छद्वन्दे संजानाना उपास और समूह साधना कर। जारे अपने समूह साधना करिए, ये प्रार्थना ही हमें तनाव से गर्म गर्म ऊर्जा आंखों पर लगावता हो। आंखों ने खोली अने बने पग ने खोली, पग ने थोड़ा रिलैक्स कर लिए। योग अपनी भारतीय संस्कृति में एवं प्रधानमंत्री मळ्या छे, जे योगी प्रधानमंत्री छे, आध्यात्मिक प्रधानमंत्री छे। भारत ने ही आखा विश्व ने योग साथे जोड़ा मांगे छे, स्वास्थ्य ने शांति साथे जोड़ा मांगे छे। एवी रीते अपना गुजरात में मर्दु अने मक्कम मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्र भाई पटेल ना मार्गदर्शन में आ गुजरात राज्य योग बोर्ड कार्य करे छे। माननीय मुख्यमंत्री छे नो एक ज स्वप्न छे, एक ज विचार छे, आ योग ने प्रमाण मार्थ आज जीवन छे। તો બનાસકાંઠાના નડાબેટ ખાતેથી આ તસવીરો આવી રહી છે। રાજ્યકક્ષાના યોગ દિવસની નડાબેટ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને શંકર ચૌધરીએ યોગા કર્યા હતા અને સૌને સ્વસ્થ રહેવાની શુભકામના આપી હતી। યોગ કરવા માટે સૌને અપીલ પણ કરી હતી। આવો સાંભળીએ મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે શું કહ્યું। विश्व नेता अने आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी आपनी संस्कृति नी देन योग ने समग्र विश्व में ओळख अपावी छे। विश्व आखू आजे 21 जूने योगमय बन्यू छे। आजे योग माटे आपनी साथे नड़ाबेटना 0 पॉइंट भारत पाकिस्तान बॉर्डर उपर मोटी संख्या में सहभागीओ અને રાજ્યભરમાં વિવિધ સ્થળોથી જોડાયેલા સૌને નિરામય જીવનની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। વડાપ્રધાનશ્રીએ તમામ દેશ ધર્મ નાત જાત લોકોને યોગાભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને યોગ પ્રાણાયામ સાથેની તંદુરસ્ત જીવનશૈલી આહવાન કર્યું છે। આજે યોગ સમગ્ર વિશ્વમાં આરોગ્ય સુખાકારીના એક સબળ માધ્યમ તરીકે સ્વીકૃત પામ્યો છે। આ વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીની થીમ સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ રાખવામાં આવી છે। આજના સમયમાં તણાવ મુક્ત અને આરોગ્યપ્રદ જીવનશૈલી માટે યોગ ઉત્તમ ઉપાય છે। યોગ પ્રાચીન ભારતના ઋષિ મુનિઓએ વિશ્વને આપેલી अमूल्य भेट छे। आश्रे 5000 वर्ष पहला पतंजलि ऋषिए योग शास्त्र नु सर्जन कर्यू। त्यारथी योगनी परंपरा भारतीय संस्कृति नी एक अमूल्य विरासत रही छे। અને હવે આપ તસવીરો જોઈ રહ્યા છો, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રીનગર ખાતે યોગ કરી રહ્યા છે। તેમની સાથે શ્રીનગરમાં 7000 જેટલા જે જમ્મુ કાશ્મીરના નાગરિકો છે તેઓ પણ આ યોગ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે।
તસવીરો દાલ લેક શ્રીનગરથી આવી રહી છે. આજે 10મો યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દેશભરમાં નહીં પરંતુ વિશ્વભરના તમામ દેશોમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આખા ભારત દેશની અંદર પણ આજે લોકો યોગમય બનેલા છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રીનગર ખાતે આજે પહોંચ્યા છે અને સીધી તસવીરો દાલ લેકથી જે આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રીની સાથે 7000 જેટલા લોકો પણ કાર્યક્રમ સ્થળ પર યોગા એક સાથે કરી રહ્યા છે. SKICCના બેકયાર્ડમાં આ યોગ કાર્યક્રમ હતો. જો કે વરસાદના કારણે આ કાર્યક્રમમાં થોડો વિલંબ થયો, પરંતુ હવે આ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. પ્રધાનમંત્રીએ પોતાનું સંબોધન પણ કર્યું હતું અને આ સૌને આજના દિવસની શુભકામના પણ આપી. 7000 લોકો પીએમ સાથે યોગ કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો વિવિધ આસનોની તાલીમ પણ આપી રહ્યા છે. 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આજે 10મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. જેની થીમ છે યોગ ફોર સેલ્ફ એન્ડ સોસાયટી, એટલે કે સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ. આ થીમ આ વર્ષની રાખવામાં આવી છે. પીએમ મોદી આમ તો 2 દિવસથી જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસે છે અને તેમના પ્રવાસનો આજે 2જો દિવસ છે અને આજે તેઓ યોગ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યા છે. શ્રીનગર ખાતે સીધી તસવીરો આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. શ્રીનગરમાં દાલ લેક ખાતે આ યોગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. થોડી વાર પહેલાં જ પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે સંબોધન કર્યું ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આજથી 10 વર્ષ પહેલાં આ પ્રસ્તાવ યુએનમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો ત્યારે વિશ્વના 177 દેશોએ આ પ્રસ્તાવનું સમર્થન કર્યું હતું. કારણ કે યોગ પ્રત્યે લોકોની જાગૃતિ નિરંતર વધી રહી છે અને યોગ કરનારા જે લોકો છે એ પણ વિશ્વભરમાં નિરંતર વધી રહ્યા છે અને સ્વસ્થ જીવનનો મંત્ર એ એકમાત્ર યોગ છે એ વાતને લોકો સમજી રહ્યા છે અને એટલે જ સ્વ અને સમાજ માટે યોગ આ થીમ આ વર્ષની રાખવામાં આવી છે. દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ પર યોગ દિવસ મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ વખતની થીમ છે કે પોતાના માટે પણ યોગ કરો અને સમાજ માટે પણ યોગ ખૂબ જરૂરી છે, એટલે સમાજે પણ યોગ કરવા જોઈએ. अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया, जिन्हें भी घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए. हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए. आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए. यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ. अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे. सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे. पहला आसन ताड़ासन. दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए. दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए. दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए. हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाए रखने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे खींचिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. यहाँ अभ्यास जिसे हाइपरबी है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखिए. અને હવે આપ તસવીરો જોઈ રહ્યા છો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રીનગર ખાતે યોગ કરી રહ્યા છે. તેમની સાથે શ્રીનગરમાં 7000 જેટલા જે જમ્મુ કાશ્મીરના નાગરિકો છે તેઓ પણ આ યોગ કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે.
તસવીરો દાલ લેક શ્રીનગરથી આવી રહી છે. આજે 10મો યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દેશભરમાં નહીં પરંતુ વિશ્વભરના તમામ દેશોમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આખા ભારત દેશની અંદર પણ આજે લોકો યોગમય બનેલા છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રીનગર ખાતે આજે પહોંચ્યા છે અને સીધી તસવીરો દાલ લેકથી જે આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રીની સાથે 7000 જેટલા લોકો પણ કાર્યક્રમ સ્થળ પર યોગા એક સાથે કરી રહ્યા છે. SKICCના બેકયાર્ડમાં આ યોગ કાર્યક્રમ હતો. જો કે વરસાદના કારણે આ કાર્યક્રમમાં થોડો વિલંબ થયો, પરંતુ હવે આ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. પ્રધાનમંત્રીએ પોતાનું સંબોધન પણ કર્યું હતું અને આ સૌને આજના દિવસની શુભકામના પણ આપી. 7000 લોકો પીએમ સાથે યોગ કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો વિવિધ આસનોની તાલીમ પણ આપી રહ્યા છે. 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આજે 10મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. જેની થીમ છે યોગ ફોર સેલ્ફ એન્ડ સોસાયટી, એટલે કે સ્વયં અને સમાજ માટે યોગ. આ થીમ આ વર્ષની રાખવામાં આવી છે. પીએમ મોદી આમ તો 2 દિવસથી જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસે છે અને તેમના પ્રવાસનો આજે 2જો દિવસ છે અને આજે તેઓ યોગ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યા છે શ્રીનગર ખાતે. સીધી તસવીરો આવી રહી છે તે આપણે બતાવી રહ્યા છે. શ્રીનગરમાં દાલ લેક ખાતે આ યોગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. થોડી વાર પહેલાં જ પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે સંબોધન કર્યું ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આજથી 10 વર્ષ પહેલાં આ પ્રસ્તાવ યુએનમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો ત્યારે વિશ્વના 177 દેશોએ આ પ્રસ્તાવનું સમર્થન કર્યું હતું. કારણ કે યોગ પ્રત્યે લોકોની જાગૃતિ નિરંતર વધી રહી છે અને યોગ કરનારા જે લોકો છે એ પણ વિશ્વભરમાં નિરંતર વધી રહ્યા છે અને સ્વસ્થ જીવનનો મંત્ર એ એકમાત્ર યોગ છે એ વાતને લોકો સમજી રહ્યા છે અને એટલે જ સ્વ અને સમાજ માટે યોગ આ થીમ આ વર્ષની રાખવામાં આવી છે. દર વર્ષે અલગ અલગ થીમ પર યોગ દિવસ મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે આ વખતની થીમ છે કે પોતાના માટે પણ યોગ કરો અને સમાજ માટે પણ યોગ ખૂબ જરૂરી છે, એટલે સમાજે પણ યોગ કરવા જોઈએ. अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया, जिन्हें भी घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए. हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए आदि कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाए. एक और बार इसका अभ्यास करेंगे. धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए. यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ. अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे. सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे. पहला आसन ताड़ासन. दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए. दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए. दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए. हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए. अगला अभ्यास पाद हस्तासन. यहाँ अभ्यास जिसे IBP है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्रिटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है. दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखे या एंकल के पास रखने का प्रयास करें. इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए. यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रही है.
ध्यानाभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल कंकासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहें। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़िया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं दिल को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं काल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें। और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों अंगुलियों को छाती पास रखें और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, रोटी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। आसन सहायता कमर जैसे शिकार को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुखंसेरिसा आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सभी को समझ लेंगे से ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को घुटनों के पास ले जाइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाइए, ब्रिज के आकाश शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास करें। इस पर थोड़ी देर बनी रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में धीरे बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे एलटीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए, जिसे गर्दन में दर्द है सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस गर्दन को सीधा
रखने का प्रयास इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रही है। यहाँ प्रयास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः उच्चासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल कंठासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़िया अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं तीर को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें। और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती पास रखें और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, टोपी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। घुटने को सीधा रखने का प्रयास सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। आसन सहायता कमर जैसे शिखा को भी दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुखंसेरिसा आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सभी को समझ लेंगे से ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एंकल को घुटनों के पास ले जाइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नींदा और कमर को ऊपर उठाइए। ब्रिटिश के आकाश शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध अनासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले जाइए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे एलजीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस
अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़े। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़े। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव चिंता अवसाद अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे वायु नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी की चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम की। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षडंगी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें, नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से गौरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। प्रयास ध्यान में
प्रयास। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हाल योग करी रहा छे, तेनी सीधी तस्वीरों आपने बतावी। अलग अलग प्रकारना योगासनों साथे अने साथे साथे 7000 जेटला जे व्यक्तिओ छे जे जम्मू कश्मीरना नागरिको छे तेओ पण तेमनी साथे योग करी रहा छे आज स्थल पर। आ तस्वीरो जो दाल लेक पासे आ कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं छे अने तेमां मोटी संख्यामां लोको आजे स्वस्थ जीवननो मंत्र शीखी रह्या छे अने योग करी रह्या छे। आ वखतनी थीम छे स्व अने समाज माटे योग, એટલે કે પોતાના માટે પણ આપણે યોગ કરવો જોઈએ જેથી આપણું જીવન સ્વસ્થ રહે, તંદુરસ્ત રહે અને જે શરીરના જે વિકારો છે, જે રોગ છે એ પણ આ યોગથી દૂર થાય છે। એટલે જ કહેવાય છે કે યોગ ભગાવે રોગ, સ્વ અને સમાજ માટે યોગ। સમાજમાં પણ આપણે આ મેસેજ આપવા જોઈએ, આપણો જે સમાજ છે, આપણે જે સમાજમાંથી આવીએ છીએ ત્યાં પણ આ મેસેજ જવો જોઈએ। वन जगह पर रेग्युलर योगा करी सके ते माटे योगा सेंटर्स परमनेंट डेवलप करवानु नक्की करायु छे, ते कामगिरी ने भी झड़पथी आगल वधारवामां आवशे। सर हिंदी हिंदी सर हिंदी आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पे गुजरात सरकार द्वारा गुजरात के सभी नागरिकों के साथ मिलके गुजरात में गांवों से लेके शहरों तक 1.25 करोड़ से ज़्यादा गुजरातियों ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर से जब आज ये कार्यक्रम में लाए हुए गुजरात के 1.25 करोड़ से ज़्यादा सभी नागरिकों ने योगा दिन के ये कार्यक्रम में जुड़ के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी आज भारत पाकिस्तान की सरहद से
ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कार्यक्रम में जुड़ के उनके साथ हजारों की संख्या में गुजरातियों ने भारत पाकिस्तान सरहद से योगा किया। देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में उनके मत क्षेत्र के सभी नागरिकों के साथ आज योगा अभ्यास के ये कार्यक्रम में अहमदाबाद में जुड़े, साथ ही में गुजरात सरकार के सभी मंत्री, गुजरात सरकार के सामाजिक अग्रणी, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, युवाओं से लेके बुजुर्ग, गांवों के पेड़ के नीचे से लेके शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों तक आज बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने योगा अभ्यास में भाग लिया है। मैं सभी नागरिकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी पण नड़ाबेट खाते योग कार्यक्रम में पहुंचा। तेमणे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साथे योग कर्या हता अने सौने अपील पण करी हती के आजे विश्व योग दिवस छे त्यारे सौ कोईए योग करी पोताना जीवन ने स्वस्थ बनावो जोईए। हाल पत्रकारों साथेनी वातचीतमां तेमणे जणाव्युं छे के प्रधानमंत्रीनुं संबोधन पण आजे ज्यारे चाली रह्युं हतुं त्यारे गुजरात भरमांथी 25 करोड़ लोको जोड़ाया। આજના વિજ્ઞાન